नॉनस्टॅक कडे शेख तर स्टॅक कडे ऍक्टिव्हली सध्या नॉनस्टॅक कडे ऍक्टिव्हली अबू सुफियान यांच्या इशारे येतोय लेस प्लेचा पहिला चेंडू घेऊन जाईल भरत समोर येतो फिरोज साठी हा पहिला चेंडू राईट मोर विकेट चांगला चेंडू हलक्या हाताने ढकलून दिले मिड विकेटच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक घेतोय समोर पकडतोय की त्यांना तोपर्यंत एक धाव अंक झाले चांगला गडबड गडबड झाली इथे मात्र दोन धावा चोरट्या पद्धतीने चोरल्या गेल्या याला म्हणतात जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट तीन आहेत का तीन आहेत ना तुमच्या तुम्ही कन्फर्म करा किती आहे तुमचे चार आहे किती नाहीत तीन सबस्टिट्यूट आहे ना कवरी चारने प्लेयर नाही तीन आहेत ना ओके चल तुटाक तुटाक चल तीन आहेत ना कन्फर्म झाले ओके चल प्ले हलतोय पुनर्दा फटका रिवर्स फटका खेळला चांगला सुंदर फटका आहे चेंडू मध्ये का ते चेंडू सी मारेच्या पार येतो मस्त सुंदर फटका येतो चौकारचा पहिला चौकार या दुसऱ्या धावसंख्या चार ने वाढली घेतली सहा वर ते सगळ्या नोंदी करून ठेव पण तो आपण सबसिडी पोहोचवले त्यांचा आहे तो त्यांचा आहे पुढचा चेंडू प्रभात एकदा मिळते नक्कीच एकदा मिळते दोनचा प्रयत्न होईल का दोनचा प्रयत्न कठीण होऊ शकतो धावसंख्येला मात्र नक्कीच चांगला आकार उत्साह दिसतोय तीन चेंडू समजा तीन चेंडू समजा तुम्ही धावसंख्या होते बीन बाद सात वर त्रिमूर्ती ट्रॉम्बे संघ पुन्हा एकदा गोलंदाजीचा भार सांभाळण्यासाठी भरत येतोय परत चौथ्या चेंडूसाठी भावेशसाठी भावेश तयार होतोय पहिल्यांदाच स्ट्राईक वर हा पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता फ्लॅटेड चेंडू फर्स्ट गतीचा चेंडू फुलटॉन घेऊन कव्हर शॉट खेळण्याचा लॉंग ऑफच्या दिशेने टळवण्याचा गॅप त्याने धुंडाळली होती पण त्याला एक्झिक्यूट करता आला नाही तालमेल चुकला नव्हता पदलालाही ते चुकलं होतं असं म्हणता येईल पण कुठेतरी चेंडू गेला वाया डॉट बॉल भरतला बरं वाटलं असेल की चेंडू गेला वाया डॉट बॉल चार चेंडू समाप्ती चार चेंडू समाप्ती तर धावसंख्या बीन बाद सात वर आणि तो पाचवा चेंडू राईट मोर विकेट आता मात्र अर्धा फटका आला लॉंग ओव्हर क्षेत्रक्षक येतोय समोर पकडतो तो पण एक धाव झाली ओ ओ थोडी वाईट थ्रो पण बॅकअप आहे हरकत नाही एका धावून समाधान व्यक्त करता धावसंख्या एक ने वाढली बसली आठ या स्थानावर पाच चेंडूची समाप्ती नंतर धावसंख्या बिन बाद आठ वर आणि मी सातत्याने मागच्या सामन्यामध्ये म्हटलं होतं की या खेळपट्टीवर या मैदानावर तुम्हाला दहाच्या वरची सरासरी राखणं गरजेचं आहे अंतिम जर मजबूत धावसंख्या उभी करायची असेल तर चार षटकांची लढत आहे शेवटचा चेंडू वेगळा प्रयत्न ओ नो बॉल आहे स्टेप आउट झाला होता नो बॉल आलाय इथे कुठेतरी कंट्रोल करावं लागेल भरतला आपल्या पायांवर कुठेतरी स्किट झाला होता त्यामुळे नो बॉल येतोय अबू सुफियान यांचा इशारा म्हणजेच काय हा फ्री हिट तर मिळेल धावही मिळाली धावसंख्या नऊ वर पोहोचली फ्री हिटचा फायदा फलंदाज भावेश कसा उचलतो ते बघायचं आहे स्ट्राईकला फिरोज आहे हा चेंडू फ्रीडचा पंच केला गॅप आहे का हो गॅप आहे गॅप आहे चेंडू मध्ये का तो पिचक केला जातो केला जातो केला जातो केला जातो केला जातो गेला 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 अडला गेला अडला गेला तोपर्यंत दोन धावा झाल्या तीनचा प्रयत्न होतोय का बघायचा आहे तीन झाल्या आणि तीनचा प्रयत्न यशस्वी होताना आता चेंडू वरतीचा मार्गावर आला एकत्रित काय तर शेवटच्या चेंडूवर फ्री हिटवर तीन धाव मिळतात हरकत नाही धावसंख्या पोहोचली तीन ने एका डझनावर म्हणजेच बारावर पहिल्या षटकात समाप्त तर धावसंख्या बिन बाद बारा ठीक आहे धावसंख्या थोडीशी नाजूक वाटते कमी वाटते कारण हे खेळपट्टीचा या मैदानाचा इतिहास जर आपण बघितला तर बाराची धावगती अगदी सहज गत्या आपण मागच्या स्पर्धामध्ये मी समर्थन करताना पाहिलं होतं सत्तर पंच्याहत्तर पंच्याऐंशी एकदा तर पाच षटकामध्ये 108 टार्गेटही आला होता त्यामुळे या खेळपट्टीवर या मैदानावर धावा होताना अगदी काही दिवसापूर्वी आपण पाहिल्यात त्यामुळे जर तुमची गोलंदाजी चांगली असेल तर ठीक आहे बाराची सरासरी ओके नॉट बॅड पण जर गोलंदाजी असेल तर मात्र तुम्हाला कोणसा येणाऱ्या तीन षटकांमध्ये अधिक प्रयत्न करावे लागतील
भरतच्या या षटकात 12 धावा पडल्या होत्या. दरम्यान दुसरं षटक गोलंदाजी वर नवीन गोलंदाज नितीन सुतार, ज्याच्यामध्ये प्रचंड क्षमता, एक अचूक टप्प्याचा मारा, त्याचं अस्त्र शस्त्र लाईन आणि लेंथ, ज्याची हतोटी आणि व्हेरिएशन ज्याच्यामध्ये पाहायला मिळतो, तो नितीन येतोय. पहिला चेंडू घेऊन ओवर द विकेट, पहिला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, यशस्वी प्रयत्न, डी पॉइंट वर क्षेत्ररक्षक हजर आहे. कव्हर होणे जाईपर्यंत पर्यंत दोन धावांचा सहज गत्या पूर्णत्वाला जातात. दोन धावांची धावसंख्या वाढली, पोचली 14 स्थानावर. म्हणजेच काय, 7 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 प्रति चेंडू म्हणजे 14 आणि 24 अनुषंगाने 48 धावा ठीक घडल्या जातील म्हणल्या जातील, पण पुढचं येणार भविष्य काही सांगू शकत नाही. पुढचा चेंडू रिव्हर्स शॉट, वा 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 भव्वा भव्वा, मस्त चेंडू. चेंडू जसा होता ज्या पद्धतीचा होता त्या पद्धतीचा षट फटका आला, येतोय देखणा मस्त सुंदर चौकार. धावसंख्या पोहोचली 18. नितीन पुन्हा एकदा, नितीनने 2 चेंडूत 6 धाव दिले आहेत. नितीन मध्ये क्षमता नक्कीच आहे अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करण्याची. हा मस्त फटका, खण खणी त्या ज्याला मी म्हणतो करारा चरण. चेंडू खराब होता असं म्हणता येणार नाही, पण फटका इतका अप्रतिम होता, लाजवाब होता, फिरोजच्या बॅट मधून जसा निघाला तसा थप्पा लगा होता षटकाराचा. नितीनच्या या चेंडूवर, तिसऱ्या चेंडूवर बसला एक खणखणीत षटकार. चौथा चेंडू, आडवा फटका, वा बाई बघा बघा, दोनही क्षेत्ररक्षक फक्त उभे राहिले, बघू शकतात बाकी काहीच करू शकत नाही. चेंडू मध्ये इतकी प्रचंड गती होती की सरळ चेंडू निघाला जसा बॅट मधून तसा सलसल करत गेला चिमारशा पार. आणखी आला एक देखणा सुंदर चौकार. आता मात्र धावसंख्या झपाट्याने वाढताना दिसते, तब्बल पोहोचली 28. मी म्हटलं होतं खेळपट्टीचा फायदा उचलावा तर कसा, तर असा गॅप काढा, चेंडू सलसल करत जातो शिमारच्या पार. या षटकात म्हणे झालं तर तब्बल 28 धावा झाल्या आहेत, पण या षटकातच 16 धावा झालेल्या आहेत. 28 मधल्या 16 धावा षटकात पडल्या, त्यामुळे अजूनही 2 चेंडू येणे बाकी आहेत नितीनचे. हा 5वा चेंडू, चांगला चेंडू चांगल्या फटकात, इतकाच देखणा सुंदर दिशा त्याला दिली आणि गेंद जातोय फाईल लेगच्या दिशेनं. चौकार दिशा येत आहे पंच युनिशे गेंदचा. धावसंख्या वाढते, झपाट्याने वाढते, पोचती 32. फिरोज मात्र इथं पेटताना दिसतोय, त्याचं बघा चेंडूचं फलंदाजी बघा, 2 4 3 2 4 6 4 6 4 म्हणजे 4 आणि 6 भाषा त्यांना जास्त, 3 चौकार, 4 चौकार घेतलेत, 1 षटकार, 2 दुक्के, 1 तिक्का, म्हणजे 1 फक्त त्याने डॉट काढला, म्हणजे 1 धाव त्याने काढलीच नाही आतापर्यंत, फक्त 2 वरतीच धाव त्याने काढल्यात. पुन्हा एकदा हा चेंडू नितीनचा, हा चांगला चेंडू मुद्दामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, हलक्या त्याने ढकलून दिलाय कवरक्षकाच्या मध्यामध्ये, क्षेत्ररक्षक आला पकडला फेकला, चांगला फेकी मस्त फेके, तोपर्यंत दरम्यान चांगला क्षेत्ररक्षण असताना देखील भावेशनं 2 धाव पूर्ण केल्यास विरोधच्या साथीनं, विरोधच्या खात्यात 2 धाव जमा होतात. धावसंख्या एकंदरीत काय, तर 2 षटकात समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 34. एक मजबूत स्थिती म्हणता येईल ती त्रिमूर्ती इव्हन ट्रम्बे संघाची, कारण रॉयल संघ नाणेफेक जिंकला होता, धीधामन स्थितीत होता, फलंदाजी घ्यावी की क्षेत्ररक्षण घ्यावं, कारण त्यांचे खेळाडू उपलब्ध नव्हते, त्या अनुषंगानं ऐन मोक्याला त्यांनी विचार केला की आपण क्षेत्ररक्षण घेऊया, पण कुठेतरी गोलंदाजीचा जो कोटा होता तो भरतने 12 धाव दिले होते, नितीननेही बऱ्याच धाव दिल्या. कर ना नितीनचं कर, 22 धावा नितीनने दिल्या, 12 धावा भरतने दिल्या, म्हणजे 2 षटक प्रचंड या खेळपट्टीच्या मानाने या मैदानाच्या मानानं महागडी होताना दिसली.
पण अजून एक कमबॅक होऊ शकतो कारण दोन षटक अजूनही शिल्लक आहेत. चांगली गोलंदाजी अचूक टप्प्याचा मारा झाला तर धावगतीला कुठेतरी विरोध अवरोध अवलंब किंवा कुठेतरी अटकाव येऊ शकतो. या जरतरच्या गोष्टी असल्या तरी आता मात्र क्षेत्ररक्षण आपण फैलावलं बघत असाल. दोन फलंदाज मात्र फिरोज आणि भावेश पूर्णतः हावी होताना दिसत आहेत. गुफरान आलाय, गुफरानमध्ये चांगली क्षमता गोलंदाजीची. ते मग गुफरान जखडण्यात यश करतोय का, यश मिळतोय का फिरोज आणि भावेशला बघायचं. स्ट्राईक वर तयार होतोय भावेश. हा चेंडू पहिलाच गुफरानचा आडवा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. सुंदर चेंडू कुठल्या स्पॉटवर पडल्यानंतर हलकासा राईट झाला होता, बाहेर निघाला होता. उभ्या उभ्या फटक्यांचा प्रयत्न मात्र पूर्ण फसगत झाली होती. फसवा चेंडू होता, निर्भय चेंडू, डॉट बॉल, खाली गेंद. तिरा चेंडूची समाप्ती नंतर धाव संख्या होती ती बिनवाद 34. अनुगेन लेकर गुफरान तैयार. कड़ा संघर्ष करना चाहते हैं, कड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, पंच करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा बैठे. डॉट बॉल खा ली गेंद. गुफरान की एक क्षमता है, वो फंसाने वाली छटाने वाली गेंदबाजी कर सकता है. वही होता है तकरीबन दो गेंद बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ. ये देखिए तीसरी गेंद, बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया लाइन और लेंथ, सही लाइन और लेंथ के साथ बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ गुफरान. अब मुझे आकर वहां पर फिरोज कुछ समझाता हुआ कि मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदम, तुझे ये गेंद पर आके गाड़नी होगी, लाइन और लेंथ को परखना होगा, जांचना होगा, तभी बल्ले को अपने इस गेंद के हिसाब से घुमाना होगा. देखते कहां तक सक्षम होता. बढ़िया शॉट, ये बात, ये करारा लगा, छे का छक्का. इसे कहते हैं अनुभव. फिरोज ने जो आंका था, परखा था, जांचा था, वही अनुभव शेयर किया वहां पर भावेश के साथ, जो कि लगातार तीन गेंदे खा चुका था डॉट के. अब आया बड़ा शॉट, छे का, रन संख्या 40 पर. अगली गेंद गुफरान की, इस बार पंच बढ़िया है, कवर पर फील्डर मौजूद है. लॉन्ग तकरीबन तकरीबन वाणिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी था, जब पट्टा लगा पकड़े फेंके तब तक एक रन का इजाफा हो चुका था. बारिश के खाते में एक रन, टीम के खाते में एक रन संख्या 41 तक पहुंची है. अभी भी 7 गेंदे शेष है दोस्तों, 7 गेंदे अभी भी आने शेष है. रन संख्या यकीनन अगर 50 से आंकड़ा छू लेता है तो बढ़िया हो सकता है. या बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, देखिए विकेट कीपर, थर्ड मैन, फाइन लेग, सब टांगते रहे, झांकते रहे, गेंद गई सर्कल के बाउंड्री से बाहर. तो कुल मिलाकर 18 गेंदों की समाप्ति, 18 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर बिना कोई विकेट को 45 पर त्रिमूर्ति 11 ट्रॉम्बे. थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक. फिरोज की बल्लेबाजी की बात करें तो 11 गेंद पर नाबाद, अभी भी 35 रन पर खेलता हुआ फिरोज. अच्छा धाकर बल्लेबाज है. अब देखते हैं चंदर पर दायित्व है, जिम्मेदारी अंतिम ओवर की, और इसी ओवर पर ज्यादातर आक्रामकता दिखाते बल्लेबाज. और यहां पर तो बिना कोई विकेट खोए त्रिमूर्ति है. स्ट्राइक पर फिरोज है, भावेश है, तो एक ना भावेश तो प्रयास करेगा ही करेगा. देखते क्या होता है. पहली गेंद कड़ा प्रहार, यहां पर कैच की संभावना, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, बढ़िया कैच, लेकिन संभवतः वहां पर मोबाइल था, स्टेप आउट हुए थे हल्के से. नो बॉल दिया जा रहा है यहां पर, अंपायर का डिसीजन फाइनल रहेगा. प्लीज चला, प्लीज प्लीज प्लीज, पंचाने निर्णय तो असेल तो अंतिम असेल, प्लीज आपण मान्य करावा लागेल. पंच जे निर्णय देतील ते मान्य करावा लागेल. प्लीज नो बॉल पकडला जातोय, फेहिट मिळेल, त्यामुळे दोन धाव मिळत आहे, धाव संख्या 2 ने वाढते.
48 वर ठीक आहे, अजून 50 च्या आत आहे, 50 गाठणं गरजेचं आहे कारण रॉयल मेरुल इलेव्हन संघामध्ये चांगले फलंदाज आहे. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय पुन्हा एकदा, आ मस्त चेंडू, फसवा चेंडू पण ऑप्शनच्या बाहेर जाणारा होता त्यामुळे खराब होता. हा जर आतमध्ये असता तर कदाचित चांगला झाला असता. हलकासा बाहेर जाताना चेंडू दिसतोय. नितीन माझा अँगल चुकतोय कारण त्या अँगलने काय सांगू शकत. चला पंचांचा निर्णय जो असेल तो असेल, प्लीज आपण मान्य करा, प्लीज आपणास विनंती आहे. प्लीज प्लीज चला चला लवकर क्षेत्र सजवा. चला क्षेत्र सजवा प्लीज प्लीज, आपल्याकडे वेळ नाही. यस, इथे निर्णय मात्र बदलला गेलाय. हा राईट बॉल म्हणून घोषणा केली जाते. एक धाव कमी करा. नाही एकच कमी काय लावलीच नाही. डॉट बॉल ना, समय नाही. हा डॉट ना, वेळीचं हे करा. ओके हा डॉट ना, ओके डॉट कर. चार बॉल एकदम, म्हणजे हाच बोलतो पहिला बोल का. ओके ओके ओके, दुसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा चेंडर. आ चांगला चेंडू, मस्त चेंडू, हलकासा बाहेर निघतो. यस, तो मागचा चेंडू बाहेर निघाला होता पण पंचांना थोडस कुठेतरी आभास वाटला की तो खूप बाहेर निघालाय. पण नंतर पंचांनी डिस्कस करून एक अंदाज घेतला, एक यष्टीरक्षकाची गोलंदाजाची एक थोडीशी चाचपणी केल्यानंतर मात्र डिसिजन मागे घेतला होता. डॉट बॉलचा होता, इशारा झाला होता. पण पुन्हा एकदा चंदन पुढचा चेंडू घेऊन आता मात्र खूप बाहेर सतरा फटकावला. मस्त चेंडू, वन बाउन्स आउट ऑफ लाईन. या सिरीज येतोय चार धावांचा हा इशारा. धावसंख्या नक्की चारने वाढली, पोहोचली 50 पार करत 52 वर. अजूनही 3 चेंडू येणे शिल्लक या इनिंग मधले. म्हणजेच काय तर या खेळपट्टीवर या मैदानावर धावा होताना आपण पाहिल्यात मागच्या स्पर्धांमध्ये पण. फक्त थोडंसं धीराने खेळणं गरजेचं असतं. पॅनिक होऊन गोलंदाजी करता येत नाही, क्षेत्ररक्षण करता येतं आणि फलंदाजी तर करता येतच नाही. त्यामुळे थोडंसं कुठेतरी शांत दिमागाने जर तुम्ही या गोष्टी केल्यात तर त्याचा फायदा नक्कीच तुम्हाला होताना दिसेल. दरम्यान हा पुन्हा एकदा चंदन निघतोय चौथा चेंडू घेऊन कट करण्याचा प्रयत्न. हलकासा बाहेरचा चेंडू होता, पॉईंटच्या डोक्यावर मारण्याचा प्रयत्न. पिछा केला जातोय, दोन टप्प्यापर्यंत फेकला जातो परंतु दोन धाव पूर्ण होतात. तिसरा प्रयत्न होईल का, घातक होईल. यस नो, थांबला जातोय. दोनच धाव मिळतात, धावसंख्या दोन वाढते पोचते 54 वर. हलकासा बाहेर निघणारा चेंडू होता, फलंदाजीच्या पट्ट्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न. दोन चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत त्यामुळे धावसंख्या नक्कीच साठी गाठते का बघायचं. 54 झालेले आहेत आणि तोच विचार मिनू कदाचित फिरोज आणि भावेश करताना दिसतील. भावेश मात्र बघूया प्रयत्न कळेल का स्वतः, एक चेंडू फिरोजला देईल का, काय करताना दिसतील बघेल. चंदन जातो पाचवा चेंडू घेऊन सेकंड लास्ट बॉल. आडवा फटका आला, मस्त फटकाला टायमिंग झाला, मस्त सुंदर मिड विकेटच्या डोक्यावर गेला, क्रिकेट कॉर्नरच्या डोक्यावर गेला, सीमारेषा पार. येतो देखणा सुंदर षटकार.
धाव संख्येने म्हटलं होतं साठी गाठते का गाठली साठी गाठली. आणि या स्पर्धेतला कदाचित हा मोठा धावसंख्या होताना दिसताना दिसते होताना दिसते. 6 धाव झालेले आहेत, 23 चेंडू झालेले आहेत, 24 शेवटचा चेंडू अजूनही बाकी आहे. बघूया काय करतोय भावेश या चेंडूवर, कसा टाकतोय चंदन हा शेवटचा चेंडू. भावेशने मात्र फटकावला, झेल आहे चेंडू हातमध्ये, क्षेत्ररक्षक आलाय. खूप लांब लचक धाव घ्यावी लागली त्याला, दोन धाव मिळतील, यस दोन धाव मिळतात. तिसरा प्रयत्न, तिसरा प्रयत्न, तिसरा प्रयत्न नाही, नाही तिसरा प्रयत्न नाही होणार. तिसरा प्रयत्न मात्र कमी पडतोय, हरकत नाही. दोन धाव झाले, धावसंख्या दोन ने वाढणार आहे, पोहोचणार आहे 62 वर. म्हणजेच टार्गेट आहे 24 चेंडू आणि 63 धावांचं, 24 चेंडू आणि 63 धावा. कागदोपत्री जरी ह्या कमी वाटल्या या जास्त वाटल्या तरी या खेळपट्टीचा अंदाज इतिहास पाहिला तरी या धावा सहज होताना दिसतील, कारण दोन्ही मजबूत टीम आहे. रॉयल संघ ही मजबूत संघ आहे, त्यामध्ये प्रचंड क्षमता असलेले फलंदाज आहे, त्यामुळे हा सामना नक्कीच रंगतदार होईल. तू जातो का अंपायर, तू जातो युनुस, युनुस आप आइए. अमर, अमर जी से निवेदन है कि अगले इनिंग की आप बागडोर संभालिए, और युनुस आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्री के लिए आइए, क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण काम की वजह से जाना पड़ रहा है. तो बस कुछ ही क्षण के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर तुरंत आऊंगा यहां पर. तो लक्ष्य 64 का, गेंद है 24. फलस्वरूप इस पिच पर, इस मैदान का अगर लेखा देखा देखा जाए तो ये हमारी परंपरा है आजकल की क्रिकेट की, के लाइन से जाना है, लाइन से आना है. और इसका पूर्णतः सहयोग दिखाते हुए त्रिमूर्ति ट्रॉम्बे संघ 11, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान और तमाम खिलाड़ियों का मैं आभार प्रकट व्यक्त करता हूं यहां पर. तो लक्ष्य 64 का, गेंद है 24. दीपक गायकवाड प्लीज संपर्क करे, दीपक गायकवाड प्लीज कर देंगे. पेनल्टी छोड़ के कितना भी नहीं, 63 पेनल्टी अगर लगेगा तो 65 हो जाएगा, 66 का हो जाएगा. दीपक, दीपक 62 हुआ है, नहीं 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 64 65 का डाल, 63 हुआ है, 62 हुआ है, 62 हुआ है, 63 अगर दो होएगा तो 64 ला ना टारगेट ला, ना 3 ला है, 3 ला है, हां का नहीं 3 वन वाटर का 65 होते हैं. हां माफ कीजिए, मैं 64 टारगेट बता रहा था, 63 का टारगेट है और शायद संभावना है. इससे पहले कि अगली इनिंग की आवाज हो, फिर एक बार माइक्रोफोन पर परिवर्तन करना चाहूंगा. आइए यूनुस शेख अगले क्षण क्षण घटित घटनाओं का विस्तृत जानकारी देने के लिए माइक्रोफोन पर यूनुस शेख. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके सुर मधुर आवाज से हमारी इस रियाज चचक जो टूर्नामेंट चल रहा है इसको आपने अपने खूबसूरत आवाज से नवाजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो आपको आंखों देखा हाल अभी बताता चलूं तो अब आने वाले टीम को कुल मिलाकर 63 रन बनाने होंगे आने वाले 24 गेंदों में. हालांकि काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई है यहां पर फिरोज के द्वारा. अगर लेखा जोखा बताता चलूं तो 11 गेंदों में फिरोज ने 35 रनों का योगदान
क्या खूब बल्लेबाजी की है इनके बल्लेबाजी ने। इन्होंने एक कड़कड़ाता हुआ एक सिक्सर लगाया था और उसके अलावा पांच चौके उनके बल्ले से निकले हैं फिरोज के बल्ले से। क्या खूब बल्लेबाजी हुई है यहाँ पर फिरोज द्वारा। और भावेश ने भी उनका बहुत ही बखूबी साथ दिया है। 13 गेंदों में 24 रनों का योगदान भावेश द्वारा, हालांकि एक भी विकेट यहां पर नहीं गिरा था। त्रिमूर्ति की तरफ से जो बल्लेबाजी करने उतरे थे फिरोज और भावेश, एक भी विकेट यहां पर नहीं गिरा था इनके बल्लेबाजी में। एक विकेट गिरा, रन आउट लास्ट बॉल। यहाँ पर हमारे बीच प्रसाद जी आए हैं, तहदिल से इनका स्वागत है मंच पर। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे स्टेज पर आइए और इस स्टेज की शोभा बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। अब आने वाले 24 गेंदों में 63 रन चाहिए हेमंत, जो कि पावर प्ले की जो नई गेंद है उसका भार संभालते हुए। हेमंत पहली गेंद लेकर चेतन ने क्या खूब इन आउट शॉट खेला, यहां पर पॉइंट की तरफ जाते हुए चौका। जी नहीं, अच्छी फील्डिंग। यहां पर अभी भी अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। जी हाँ, अंपायर का डिसीजन आता हुआ चौका पहली ही गेंद में चेतन क्या कट किया था यहां पर पॉइंट के ऊपर से चौका। और यहां पर दीपक का इशारा आता हुआ, धन्यवाद दीपक। पहली ही गेंद में यहां पर अपना अपने अपने और अपने टीम का खाता खोलते हुए चेतन चौके द्वारा। दीपक ने भी इशारा किया ना, हम लोग अपने दीपक को मानेंगे। आप बोलो ना कि मतलब अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैनशिप जो होनी चाहिए वो हर प्लेयर में होनी चाहिए। अगली गेंद चेतन के, ओ, 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 ओ। बहुत ही अच्छी वापसी कहूंगा मैं यहाँ पर हेमंत द्वारा। हालांकि पहली गेंद में चौका जरूर लगा था यहाँ पर चेतन के द्वारा, लेकिन क्या वापसी कहेंगे यहाँ पर हेमंत की। अगली गेंद देखना क्या जवाब होता है यहाँ पर चेतन का हेमंत के लिए। अगली गेंद, ओह स्लो यॉर्कर यहाँ पर रन आउट के लिए कोशिश और सिर्फ कोशिश करते हुए। इसी एक गेंद के बाद रन गति बढ़ती हुई पांच रन, यानी कि तीन गेंदों में पांच रनों का योगदान हुआ है यहाँ पर रॉयल। और ये पांचों रन जो है वो चेतन के बल्ले से निकले हैं। अब देखना है कि जो नए बल्लेबाज सिद्धेश है अगली और अपनी टीम की चौथी गेंद खेलेंगे यहां पर सिद्धेश। यहां पर जो फील्डिंग की सजावट है थोड़ा जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि खेल आगे बढ़े। अगली गेंद हेमंत की सिद्धेश, और यहां पर फुलटॉस लेकर इन आउट मारने का बहुत ही खूबसूरत प्रयास। और इस प्रयास के साथ चार रन जोड़ते हुए सिद्धेश अपने टीम के हित में इसी चार रनों के साथ रन गति बढ़ती हुई नौ पर। हालांकि अब ठीक ठाक सा ओवर की जो आकृति है वो अच्छी दिशा की तरफ जाती हुई, चार गेंदों में अभी भी नौ रन जुड़े हैं। अगली गेंद हेमंत जी,
अगेन आ आ आ हालांकि अच्छी पटकी भी थी यहां पर गेंद हेमंत द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक रन के साथ रन गति बढ़ते हुए 10 रन अभी भी एक गेंद अभी भी आनी बाकी है। यानी कि अगर पावर प्ले का ओवर देखा जाए तो अभी तक ठीक ठाक सा ओवर गुजरा है। हालांकि 10 रन एक अच्छा ही ओवर कहा जाएगा क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, रेस्ट्रिक्शन भरा ओवर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो प्लेयर बाहर रहते हैं। देखने आखिरी गेंद में हेमंत किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। चेतन को मौका मौका जी जी अभी भी यहां पर अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। जी हाँ बिल्कुल आउट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली ओवर के बाद 10 रन। मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे यहाँ पर अतिथि है उनको प्रसाद जी जो हमारे बीच है उनको फूल गुच्छ देकर उनका सम्मान किया जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी कि आप हमारे बीच में हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। यानी एक ओवर के बाद चेतन का विकेट गिरा है और इसी एक विकेट के साथ अरंधति 10 रनों पर। यानी अभी भी आने वाले 18 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। हालांकि ये स्कोर काफी जबरदस्त जरूर कहूंगा मैं क्योंकि 18 गेंदों में 53 और क्या बल्लेबाजी हुई थी यहां पर फिरोज द्वारा उसी का लेखा जोखा जो मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले 18 गेंदों में जो अभी भी 53 रन की जरूरत है ये कहीं ना कहीं फिरोज की बल्लेबाजी फिरोज का जो बल्ले से दमखम निकला था बस उसी का फलस्वरूप ये जो ऊंचा टारगेट दिख रहा है। जी हाँ जिस तरह की बल्लेबाजी फिरोज द्वारा हुई थी हम आशा करते हैं कि आने वाले बल्लेबाज जो कि सिद्धेश आकाश ये जो बड़े बड़े बल्लेबाज बड़े बड़े इनके मनगढ़ में जो दमखम रखने वाले हम इनसे भी ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी हो ताकि 18 गेंदों में जो ये 53 का स्कोर नजर आ रहा है ये लगभग लगभग एक रोमांच भरा सामना हमें सामने दिखाई पड़े। देखना है गुलाम जी अगली गेंद लेकर निकल पड़े हैं। सिद्धेश पहली गेंद बिल्कुल हाफ वाली मौका था यहां पर ऑफिस लेकिन मैं यहां पर चूक गए। यहां पर पहली गेंद डॉट गेंद गुलाम गुलाम द्वारा यानी आने वाले 17 गेंदों में अभी भी 53 रनों की जरूरत है। 17 53 17। अगर कोई एक बल्लेबाज जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करे तो वो 17 गेंद और 53 रन काफी आसान हो सकते हैं। मगर अगर और मगर की बात छोड़कर अगर हम आगे बढ़े तो गुलाम जी अगली गेंद सिद्धेश यहां पर वन बाउंस और इसी एक रन के साथ स्ट्राइक बदलेगी और अब स्ट्राइक होगी आकाश के पास। यानी अभी भी 16 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है। सोलह गेंद 52। क्या कोई बल्लेबाज क्या आकाश क्या सिद्धेश देखना है कि आने वाले समय में कौन सा बल्लेबाज यहां पर चमकता है आकाश या सिद्धेश। अभी भी आने वाले 16 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है। कोई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत है यहां पर रॉयल टीम जो है रॉयल 11 इनको जरूरत है एक ऐसे बल्लेबाज की जो अपने मनगढ़ों के जोर पर अपने आने वाले 16 गेंदों में 52 रन अपने रॉयल 11 के लिए जोड़ पाए। अबू सुफियान आपसे रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। ओवर के बीच में बैट चेंज ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। रिक्वेस्ट है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से कि थोड़ी रिस्पेक्ट करें
मैच ओवर के बीच में बैट चेंज। अगली गेंद जो कि तीसरी गेंद होगी गुलाम की, अभी तक काफी संयम वाली गेंदबाजी की है यहां पर गुलाम ने। अगली गेंद तीसरी गेंद आकाश के लिए, आकाश ने लॉफ्ट कर दिया ऊपर, एक मौका बन सकता है, एक मौका बन सकता है, बन सकता है, जी हाँ, ओ वो व्हाट अ कैच, बिल्कुल आखिरी आखिरी लम्हे तक उन्होंने अपनी जो आंखें हैं वो गेंद पर गड़ाए रखी। हालांकि इस तरह के कैचेस जो है काफी मुश्किल कैचेस होते हैं, लेकिन क्या खूब कैच पकड़ा है यहां पर सलीम ने, क्या जबरदस्त पीछे दौड़ते हुए कैच पकड़ा है। और इसी एक कैच के साथ रन गति अभी भी वही की वही, वही की वही 11 रनों पर। और अभी तक गुलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक रन देकर एक विकेट झटका है अपनी टीम के लिए। गुलाम की बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। इसी बीच देखना है सिद्धेश कितना भार ले पाते हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद सिद्धेश, और यहां पर आ आ आ आ क्या जबरदस्त फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए यहां पर कीपर द्वारा फिर सलीम द्वारा बहुत जबरदस्त फील्डिंग हो रही है यहां पर। अगली गेंद गुलाम, अगली पांचवी गेंद, यहां पर कोशिश 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 बिल्कुल बिल्कुल नाकामयाब होती हुई। हालांकि जरूरी तो है यहां पर बड़े बड़े शॉट और बड़े बड़े कुछ रोमांच दिखाने के लिए, लेकिन अभी भी वही का वही स्कोर तस का मस्त ना होता हुआ 11 रनों पर। यहां पर मैं तारीफ करता चलूंगा गुलाम की, जो कि अपने ओवर में दो विकेट झटके हैं अपनी खूबसूरत गेंदबाजी द्वारा, और सिर्फ एक रन उन्होंने खर्च किए हैं। मैं कहूंगा कि काफी कंजूस है यहां पर गुलाम, काफी कंजूसी दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी में सिर्फ और सिर्फ एक ही रन झटके हैं। और अगर लालच की बात करता चलूं तो दो विकेट का लालच इन्होंने जरूर दिखाया है, लेकिन अभी भी एक गेंद आनी बाकी है गुलाम द्वारा। देखना है कि आने वाले इस एक गेंद में गुलाम किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। गुलाम अपनी और आखिरी गेंद लेकर निकल पड़े हैं नए बल्लेबाज पृथ्वी। अगली गेंद गुलाम पृथ्वी, जी हाँ, मैं कह रहा था अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, जो कि कंजूसी दिखा रहे थे गुलाम अपनी गेंदबाजी में, जरा दिल खोल दिया आखिरी गेंद में और बिल्कुल षटकार। इसी 6 रनों के साथ रन गति 6 से बड़ी 17 पर, यानी आने वाली अभी भी 12 गेंदों में 12 46 46 12। हल्का सा जरा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन अगर मैं क्रिकेट की बात बताना चलूं तो क्रिकेट में कुछ भी मुश्किल नहीं, हर चीज मुमकिन है। अगर दम खम रखते हैं बल्लेबाज तो 12 में 46 यहां पर हो सकते हैं, और कुछ इसी तरह की रोमांच हम देखना चाहेंगे। अगला गेंदबाज जिन्होंने अपने बल्ले से काफी रन झटके थे यहां पर भावेश, अब देखना है अपने टीम के लिए किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद चंदन, कैच का मौका, प्लेयर दौड़ता हुआ और बिल्कुल ना 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 ना, एक रन के साथ दो रन जुड़ता हुआ, इसी दो रन के साथ तीसरे रन का इरादा, जी हाँ तीसरे रन के दौड़ पर है यहां पर, कोई भी यहां पर इरादा नहीं दिखाते हुए
हालांकि एक रन शायद हो सकता था, लेकिन अगर मगर की बात छोड़ते हुए अगर हम आगे बढ़े तो इसी दो रन के साथ रन गति बढ़ते हुए 19 पर, यानी अभी भी 44 रनों की जरूरत है आने वाले 17 गेंदों में। हम जरूर कोई रोमांच देखना चाहेंगे रॉयल की तरफ से, रॉयल इलेवन की तरफ से, कि आने वाले अभी भी 17 गेंदों में कोई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो, कोई तो एक बल्लेबाज आए और इस बंद में जरा रन मिला दे तो क्या खूब मैच होता चले। अगली आने वाली गेंद भावेश की, अप्पू के लिए, अगली गेंद चंदन के लिए, अप्पू नया आया, माफ कीजिएगा चंदन भावेश। और यहां पर जी नहीं, कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो तो मजा है, क्योंकि अभी भी लगभग 40-42 रनों की जरूरत है, 16 गेंद अभी भी बाकी है। अप्पू स्ट्राइक पे, भावेश की गेंद हल्की सी बाहर जाती हुई, जी नहीं, यहां पर अंपायर का इरादा आता हुआ नो बॉल। बिल्कुल अगर कुछ इस तरह की गेंदबाजी हो और कोई बड़े बड़े शॉट लगे तो इस मैच में भी कुछ रंग आ सकता है। हाल फिलहाल काफी सुस्त सा मैच चलता हुआ, फ्रीडम होगा, देखना है अप्पू कितने रन जोड़ पाते अपनी टीम के लिए। अप्पू फ्रीड इन आउट खेल दिया, यहां पर चार रन हो सकता है, प्लेयर दौड़ रहा है लेकिन कोई मौका नहीं, चार रन के साथ रन बढ़ते हुए 25 रनों पर। अभी भी इस चौके के साथ जहां पर रन गति हमारी 25 पर है, फिर भी यहां पर आने वाले 8 गेंदों में अभी भी लगभग 36-37 रनों की जरूरत है यहां पर आने वाली 16 गेंदों में, माफ कीजिएगा 8 गेंदों में। नो बॉल है ना, अभी 3 गेंदों में 25 रन अभी भी जुड़े हैं यहां पर। अभी भी 9 गेंदों में जोड़ने पड़ेंगे यहां पर रॉयल को अपनी टीम के लिए। अगली गेंद क्या खूब गेंदबाजी कहना चाहूंगा मैं यहां पर भावेश द्वारा, कोई मौका नहीं यहां पर, बिल्कुल यहां पर ब्लॉक कर दिया ऑफ साइड में। 26 रन, एक एक रन दो दो रन करके जुड़ रहे हैं। हालांकि अगर मैं त्रिमूर्ति की बल्लेबाजी करूं तो काफी ज्यादा रन जोड़ने में कामयाब हुए थे यहां पर फिरोज और सिद्धेश ने, भावेश ने माफ कीजिएगा, कुछ उस तरह की बल्लेबाजी हम देखना चाहेंगे यहां पर रॉयल की तरफ से। हालांकि यह मौका है कॉल दिया है यहां पर और बिल्कुल नहीं, ड्रॉप। इसी इक्की के साथ रन गति 27 पर, अभी भी 7 गेंदे और 36 रनों की जरूरत है, फिर भी मैं कहूंगा ये मुमकिन है, 7 गेंदे 36 रन। भावेश अपनी और आखिरी गेंद लेकर निकल पड़े हैं गुफरान के लिए, अगली गेंद वाइड, जी हां यहां पर अंपायर का डिसीजन आता हुआ वाइड गेंद, बिल्कुल इसे एक वाइड रन के साथ अभी भी 35 रनों की जरूरत है आने वाले 7 गेंदों में। बिल्कुल यहां पर एकदम साफ सुथरा डिसीजन आता हुआ यहां पर अमर द्वारा, हाँ ठीक है माफ की, अगली गेंद यहां पर चौका हो सकता है, जी हाँ बॉल निकल पड़ी है पीछे, हालांकि कवर है, एक रन के साथ दूसरा रन जुड़ता हुआ, इसी दो रन के साथ अभी भी 33 रनों की जरूरत, आने वाले 6 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। मैं कहूंगा कि अभी भी क्रिकेट है तो मुमकिन है, आने वाले 6 गेंदों में 33 रन, यानी हर गेंद पे कुछ न कुछ एक तड़कता भड़कता शॉट बल्ले से निकलना चाहिए, तब जाकर ये 33 रन मुमकिन है।
और इस 33 रनों का जो एक विशाल सा लक्ष्य है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी भागदौड़ संभालते हुए नए गेंदबाज का नाम नासिर। देखना है कि नासिर अपने आने वाले 6 गेंदों में कितना रोक पाते हैं यहां पर नासिर चंदन और अप्पू को। लक्ष्य है 6 बॉल 6 सिक्स या 5 सिक्स 1 चौका। देखना है आने वाले 6 गेंदों में कितना रोक पाते हैं यहां पर चंदन और अप्पू को। अगली गेंद, ना 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 ना, बिल्कुल सेफ बॉल कहना चाहूंगा मैं। लुइस यॉर्कर, जो कि लगभग मुश्किल होता है इस तरह के गेंदों को बाहर भेजना। अब मैं कहूंगा कि अगर कोई गेंदबाजी गलती ना करे, नो बॉल ना डाले, तो 99% यहां पर जीत चुके हैं। यहां पर अगली आने वाली 5 गेंदों में अभी भी 32 रनों की जरूरत है। अगली गेंद, मौका जी नहीं, क्या खूब गेंदबाजी हो रही, कुछ इस तरह की गेंदबाजी हो तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आने वाली 4 गेंदों में अभी भी 32 रनों की जरूरत है। अगर नासिर यहां पर कोई गलती ना करे अपनी टीम के लिए, तो लगभग मैं तो कहूंगा कि पूरा सामना यहां पर खुल गया है यहां पर त्रिमूर्ति क्रांति के लिए। अगली गेंद नासिर की, जो कि उनकी तीसरी गेंद होगी अप्पू के लिए। मौका है यहां पर, नहीं चूके, ये एक ऐसी गेंद थी जिसके लिए नहीं, अच्छी फील्डिंग यहां पर, कुछ इस तरह की अगर फील्डिंग होगी हेमंत द्वारा जो फील्डिंग हुई है यहां पर। शुरू से इक्का दुक्का दुक्का इक्का, इसी इक्का दुक्का के साथ रन गति बढ़ती हुई 32 पर 31 रन made from three ball and left in the air. There's a player down there running behind the catch and what he says, I know it's drop. अभी भी 2 गेंद बाकी है आनी नासिर द्वारा और 30 रन की जरूरत है और काफी संयम बरतते हुए यहां पर नासिर, कोई भी मौका नहीं लग रहा कि वो कोई गलती करेंगे अपनी टीम के लिए। नहीं, जब जिम्मेदारी दी है नासिर को तो नासिर ने क्या खूब यहां पर जिम्मेदारी निभाई अपनी टीम के लिए। अगली और आखिरी गेंद और इसी के साथ जी नहीं डॉट गेंद, इसी डॉट के साथ रन गति वही की वही 33 पर, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 30 रनों की क्या खूब जीत दर्ज की है यहां पर त्रिमूर्ति टोंडे ने। काफी बधाइयां। मैं चाहूंगा कि अगली टीम जो है टॉस के लिए आए। पंडर भी और त्रिमूर्ति ट्रॉम्बे, मैं दोनों ही कप्तानों से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द, मैं आपको बताना चलूंगा कि आने वाला जो सामना है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर का रहेगा, समय की कमी को लेकर ये डिसीजन।